थोड़े दिन पहले इनके ऊपर दुष्ट आत्मा का काफी ज्यादा प्रभाव आ गया। क्या आ गया? और इस चीज से ये बहुत परेशान थे। इसका कारण परमेश्वर नहीं है। सुनो, जैसे गलातियों 5:1 में लिखा है कि मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए क्या किया है? बोलो, क्या किया है? आजाद किया है। और फिर बाइबल कहती तुम अपनी आजादी में स्थिर रहो ताकि गुलामी के जुए के नीचे फिर से ना हो। यीशु मसीह ने एक जगह मत्ती 7 में कहा कि जब एक दुष्ट आत्मा किसी से निकल जाती है तो उस घर को वो खाली सज्जिया स्वारा पाकर उस सातों को औरों को लेकर आती है और उसकी हालत उससे फिर से ज्यादा खराब कर देती है। जब यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को चंगा किया तो उसे कहा, देख तू चंगा हो गया, दोबारा कोई पाप न करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति तो उस पर फिर आ जाए। कितनों को समझ आ रही है? जिस चीज से परमेश्वर ने पहले ने छुटकारा दिया, फिर सेम वही प्रॉब्लम, सेम हालात इनके ऊपर आ गया। क्या आ गया? इनकी पत्नी को माइक देना। क्यों जी? आप काफी परेशान थे जी? हाँ जी। क्या करते थे थोड़ा सा मुझे बताओ फिर ये। हाँ जी। क्या 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 करते थे जी जब जी दुष्ट आत्मा का इनके प्रभाव आ गया फिर से? ਸਾਜੀ ਇਤਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਪੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜੇ ਮੱਖੀਆਂ ਇਤਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਐਸੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਇਤਰਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਸੇ ਸੁਣੋ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇ ਥਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 25 ਆਏ ਥੇ ਆਪ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇ ਨਹੀਂ ਆਏ 1 तारीख को आई है ना, क्रिसमस की मीटिंग में नहीं आई है ना। तो 1 जनवरी जो हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया तब आए थे, तब इनके ऊपर हालात था। और ये मीटिंग के बाद ये मुझसे मिले, मैंने कुछ चीजें समझाई थी तो मैंने कहा विश्वास करो, पर पता नहीं इनका मन इसे दोष दे रहा था कि दुष्ट आत्मा को मेरे अंदर से निकाला क्यों नहीं है। बोलो क्या है? दुष्ट आत्मा को अंदर से निकाला क्यों नहीं है? सुनो, दुष्ट आत्मा कब जाती है? जब हमारा फेथ, हमारा विश्वास, हमारा मन सही होता है। पर इस ये थोड़ा सा उस चीज को लेकर जो मैंने चीज उतना वैसा वचन नहीं लिया जैसे इन्हें लेना चाहिए था, इसके लिए ये आगे पीछे हो जब घर गए तो वो दुष्ट आत्मा तो नहीं गई। पर अगले दिन ये इस लड़की को मनप्रीत को बोल रहे थे कि अगर ये सही होता है तो बताओ, नहीं तो हम अपना कोई हिसाब देखें, अपना कोई चारा देखें कहीं और। फिर अगर आपसे ये चीज सही होती है तो बताओ, नहीं तो हम कोई और रास्ता ढूंढें, हाँ हम और कहीं पर जाएं। जब मुझे इसने ऐसे बताया तो सच्ची परमेश्वर इस बात को जानना, मेरा हृदय फट गया, मेरा मन अंदर से ऐसे पिघल गया कि ओ परमेश्वर, लोग आते हैं तेरे पास, क्योंकि कम से कम इन्हें प्रभु में आए हुए 4 साल के करीब तो हो ही गए होंगे, है ना, 4 साल के करीब। 4 साल में, क्योंकि इन्होंने 4 सालों में, मैंने सोचा इतना टाइम, नया बंदा है तो ठीक है, 4 सालों में इन्हें समझ आई कि प्रभु का प्रेम क्या है। हाँ, ये ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे बताओ, नहीं तो हम कहीं और देखें अपना हिसाब किताब, आपसे होता है तो, नहीं तो। हाँ, जब इसने मुझे ऐसे ही कहा तो मेरा मन अंदर से बहुत ऐसे हृदय हो गया। मैंने फिर से कहा है मनप्रीत से कि मेरी उनसे बात करवाना। शाम को मेरी बात हुई, मैंने कहा कि कल मेरी बात कराना। और जब कल मेरी इनसे बात हुई तो तब तो सेम उतना ही हालात था। फिर मैंने कुछ चीजें इन्हें समझाई और समझाने के बाद फिर मैंने वचन दिया। ये बोल रहे थे कि प्रेयर करो, प्रेयर कर दो, इसे निकाल दो।
नहीं, मैंने कहा यीशु मसीह ने तो आज से 2000 साल सब कुछ पूरा कर दिया है। क्या कर दिया है? सब कुछ पूरा कर दिया है। अगर वो हो नहीं रहा तो उसका कारण परमेश्वर नहीं है, उसका कारण इंसान नहीं। आपको याद है जो मैंने वचन दिए थे? हाँ जी सर। बताओ क्या वचन थे वो, कौन कौन से थे? गौता, हाँ, जबूर, हाँ, गलातियो, हाँ, मरकस, मरकुस, हाँ जी, हाँ, एक यूहन्ना, यूहन्ना, वेरी गुड, हाँ जी, यूहन्ना एक, हाँ, हाँ जी, पहला यूहन्ना। तो आपको ये अपने बुक्स का नाम तो ले दिया है, आपको ये भी याद है कि कहोता किड़े अध्याय च दसिया सी? एक तीन दा आठ नहीं, तीन दा किन्ना सी? आठ, आठ, ठीक है, नहीं मैंने तीन से एक ही कहा था, चलो ठीक है, बुक्स तो इन्हें याद है ना। हाँ जी। और गलातियों का पता है, गलातियों कौन सा अध्याय बताया था मैंने? वेरी गुड, पांच दा एक, हाँ, और कोई बात नहीं, हाँ चलो अच्छा है, बुक्स ने याद है, कुछ वचन याद है, बस इन्हीं चीजों में हमने बढ़ना है। मैंने ये वचन दिए ने कहोता मतलब नीति वचन 3:1-5-8 तक, गलातियों 5:1 और कौन सा मरकस, जबूर, जबूर है ना, हाँ जी, जबूर 34:4, जबूर 4 दा 5, जबूर 4 का 5 नहीं 34:4 थी, नहीं 4 दा 5 साहब जी ता दसया 4 का 5 था, हाँ जी। क्या वचन है देखो वहां पे, अच्छा, और पहला यूहन्ना, हाँ जी, 3:19-20-21, हाँ जी, आप भी नोट कर लो। मैंने कहा और नहीं नहीं वो जबूर 4 नहीं है, वो मुझे याद आ गया, वो नीति वचन 4:23 था, कहोता 4:23 था, जबूर नहीं था, हाँ ये था नीति वचन 4:23, वहां पे लिखा है कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। बोलो क्या है मन? क्या है हमें सबसे अधिक धोखा देने वाला है? पर परमेश्वर ने कहा कि जीवन की धारें तुम्हारे मन ही से निकलेंगी। किससे निकलेंगी? तुम्हारे मन से निकलेंगी। और नीति वचन कहोता 3:1-8 तक हम जानते वहां पे क्या लिखा है। परमेश्वर ने कहा हे मेरे पुत्र, मेरी तालीम की, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरे वचनों को अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा, तू मनुष्यों का और मेरा अनुग्रह दोनों को पाएगा, अपनी समझ का सहारा ना लेना, मुझे याद करके अपने जीवन के सारे काम करना, ऐसा करने से, बोलो क्या रहे, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हस्त पुष्ट रही। आमीन। और पहला यूहन्ना 3:19-21 में लिखा है कि जब हमारा मन हमें दोष देता है तो हमें परमेश्वर के सामने हयाब नहीं होता कि यह काम परमेश्वर कर सकता है, पर वहां पे लिखा परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। ये सारे वचन मैंने दिए 34:4 का जबूर, दाऊद कहता मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे सब उन विपत्तियों से, उस डर से उसने मुझे निर्भय किया, मुझे मुक्त किया, मुझे छुड़ाया उसने। ये सारे वचन मैंने दिए, मैंने कहा कि इन सब वचनों को लो और पढ़कर इन्हें प्रेयर में रखो, प्रेयर में बोलो, अपनी प्रार्थना में बोलो कि परमेश्वर तेरे वचन में ऐसे लिखा है, तेरे वचन में ऐसे लिखा है। और जब इन्होंने ऐसा प्रैक्टिकल किया है तो उसी दिन रात नींद आ गई थी अच्छी, हाँ जी। अच्छी है, अच्छी नींद आ गई थी, फिर तो नहीं दुष्ट आत्माओं ने, मक्खियों ने तंग किया, वो जितने जाने नजर आते थे आपको नहीं किया। देखो खुदा के वचन में कितनी सामर्थ्य है, कितनी पावर है, हमें कितनों को समझ आ रही है, जो एक साथ कितनी दुष्ट आत्माएं इन्हें नजर आ रही थी वो सोने नहीं देती थी, कभी मक्खियां बनकर इन्हें नजर आती थी, कभी कुछ
उसी दिन जिस दिन मैंने ये सारे वचन दिए और मैंने कहा कि अब तुम इन वचनों को पढ़कर प्रार्थना में धन्यवाद करो कि परमेश्वर तेरे वचन में तो ये लिखा है, उसी दिन खुदावंद ने इन पर अपना अनुग्रह कर दिया, वो सब दुष्ट आत्माएं भाग गई, सब कुछ सही हो गया जो पूरी रात सोते नहीं थे। हाँ, सब कुछ सही हो गया। आमीन। इतनी पावर है उसके वचन में। बोलो क्या है? पर परमेश्वर ने तो इन्हें पहले भी चंगा किया, पर उसकी फिर से ये हालात इनके ऊपर आने के कारण परमेश्वर नहीं, ये खुद थे, क्योंकि ये 2 महीने ये प्रभु की हजूरी में नहीं आए। क्या नहीं आए? मैं नहीं कहता कि इनका दोष है, इनकी गलती है, क्योंकि शैतान हमें रोकता है। मैं इनकी गलती भी नहीं करता, शैतान हमें रोकता है। अगर वो रोक रहा है तो अपने समझना है, वही चीज हुई। फिर अगर उसने रोका अपनी प्लानिंग, अपनी जुक्ति में इन्हें फंसाया, क्या फंसाया? जैसे अफिसियों 6:10-11 में भी लिखा है ना, उसकी जुक्तियों से अनजान न रहो, क्योंकि वो अपनी जुक्तियां बनाता है। तो उनके जीवन में भी उसने जुक्ति बनाई और फिर से जो चीज से परमेश्वर ने आजाद किया फिर से अपनी जगह बना ली। उसका कारण क्या था? कि परमेश्वर की हजूरी से दूर होना। हो सकता अपनी बुद्धि भी लगाई हो, परमेश्वर को याद ना किया हो, पुकारा ना हो। हाँ, बोलो क्या है? पुकारा ना हो कि हम हमारे लिए अगर कोई रास्ता खुल नहीं रहा, हम जा नहीं पा रहे, तो कारण तो कोई ना कोई होगा। देखो परमेश्वर फिर भी कितना भला है। बोलो क्या है? परमेश्वर फिर भी कितना भला है, जिसने फिर से इन्हें गले लगाया, फिर से उस दुख से, उस आत्मा से छड़ाया। मैंने तो सिर्फ वचन दिए, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों को, नबियों को क्या करता है? यूज करता है। क्या करता है? इस्तेमाल करता है। उसने मुझे इस्तेमाल करके इन्हें वचन दिए, मैंने कहा इस रीति से तुम करो, सारा कुछ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आज आपके सामने बिल्कुल सही है, सब कुछ अच्छा है। हाँ, क्या बोलो? सब कुछ अच्छा है। इस बात के लिए और उस खुदावंद के प्रेम के लिए एक बार जोर से इस बड़े काम के लिए तारीफ कर दो। जोर से। ना डर ना घबरा, मैं तेरे अंग संग हां। ना डर ना घबरा, मैं तेरे अंग संग हां। आमीन। तो आगे से ध्यान रखना, परमेश्वर भला है, आपको नहीं पता। मेरा सच्ची, मेरा हृदय फट गया जब इन्होंने कहा कि आपसे कुछ होता है, हमने थोड़ी ना करना है, करने वाला वो स्वर्ग में। बोलो क्या है? करने वाला स्वर्ग में बैठा है। जब तुम उसका वचन पूरा करोगे जो परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करके आपको देता है, तो वो तो मुझे इस्तेमाल करता है आपके लिए। पर जब तुम वचन पूरा नहीं करते तो फिर तुम फंसते हो। इसलिए ऐसा करके हम जब खुदावंद के को हम नहीं समझते, तो बाइबल कहती है कि हम बार बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? फिर बार बार उसे क्रूस पर चढ़ाते हैं। आइंदा इसमें चौकस रहना, ठीक है? क्या रहना? चौकस रहना, क्योंकि संसार में जब तुम जाते हो तो वो सबसे पहले ये मांगते हैं, इतने लगेंगे। क्योंकि ऐसे केसेस यहाँ पे बहुत आए, लोगों ने कहा हमने इतने दिए पर हमारा हल नहीं हुआ। परमेश्वर तुम्हें फ्री में अच्छा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ, कौन से यहाँ पे फीस लग रही है, पैसे लग रहे हैं चंगाई के लिए, काम के लिए? जब परमेश्वर बरकत देता वो अलग बात है कि तुम उसके आदर के लिए बोते हो अपने बीज को, अपने दशमांश को, तो परमेश्वर उसका भी आपको फल देता है। समझ आ रही है? तो बने रहना, परमेश्वर बढ़ाएगा और आगे लेकर जाएगा। आमीन।